आज मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो कि वीर रस के कवि हैं उनकी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सभी बच्चों के मन में कई बार पढ़ाई के दौरान जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं होता है तो निराशा में चले जाते हैं। निराशा से निकालने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसी प्रेरणा जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे, जो चीज जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो करने के लिए प्रेरित करे। रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी कविता है जिसे जब पढ़ते हैं जब सुनते हैं तो रगों में खून का संचार बढ़ जाता है, एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वही कविता आज आपके सामने रश्मि नदी से श्री कृष्ण की चेतावनी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पांडवों ने अपना वनवास काट लिया है और अज्ञातवास काट के जब वो वापिस आए तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में गए और पांडवों का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि दुर्योधन, इन्होंने अपनी सजा अपना वनवास काट लिया है और अब इन लोगों को अपने हिस्से का राज्य दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधन उन्हें राज्य देने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कैसे उन्हें चेतावनी दी वो इस कविता में सुनिए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप काम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य रस दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मित्र की राह बताने को सबको सुमार्ग पलाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश आना है। दो न्याय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से न्याय मांग रहे कि ज्यादा मत दो लेकिन हमारा जितना हक बनता है उतना तो दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीम उठाएंगे। केवल 5 ग्राम हमें दे दो हम वहीं पे रह लेंगे वहीं पे खुशी से खा लेंगे लेकिन अपने परिवारजनों पर हथियार नहीं चलाएंगे, यह कहा श्री कृष्ण ने। पर दुर्योधन वो भी नहीं माना, दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज के ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश काल आता है तो उसका दिमाग फिर उल्टा ही काम करता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे आहा दुर्योधन बांध मुझे ये देख गगन मुझ में लय है ये देख पवन मुझ में लय है मुझे विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल बुध परिधि मंद को गहरे है मैं नाग मेरे रूपक मेरे है दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। श्री कृष्ण के बचपन का एक प्रसंग याद हो तो श्री कृष्ण के मुंह में जब माता यशोदा उनका मुंह खुलवा के देखती है तो उसमें उनको पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि नजर आ जाती है और माता यशोदा बेहोश होकर गिर जाती है। तो यहीं पे कहा है कि दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य अकांड दे मुझ में सारा ब्रह्मांड दे चर अचर जीव चर सर अक्षर नश्वर मनुष्य सूर्यादि अमर शतकोटि सूर्य
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कर सकता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे बांधना चाहता है तो पहले पूरा अनंत गगन बांध, उसके पश्चात मुझे बांध। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्र का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। यात्रा नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वहनी प्रखर। इस पूरे युद्ध से क्या होगा, भाई भाई पर टूट पड़ेंगे और अंत में गिद्ध कौवे ये सुख लूटेंगे और इंसान का सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। सारी समस्त सभा बैठी है आगे थी सभा सन, सब लोग डरे चुप थे, व्याथे बेहोश पड़े। केवल दो नर्न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुख निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 भारत।